हेलो बच्चों, तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 13.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। तो उसमें एक्सरसाइज 13.3 की हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट वीडियो में कर लिए थे, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। तो 11th क्वेश्चन में कहता है फॉर ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, Q1 आपको दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, Q3 भी दिया हुआ है, कहता है फाइंड द बॉलेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला आपके पास क्या था, तो बोले कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम डिनोट कर दें, तो फार्मूला था हमारे पास Q3 प्लस में Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो वैल्यू सारी हमारे पास है, बस वैल्यूज आपको पुट करनी है, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो Q3 की वैल्यू आपके पास है 19, Q1 की वैल्यू 4 और Q2 की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 यानी 19 माइनस 4। तो 19 प्लस 4 23 माइनस 30 यानी माइनस 7 अपॉन में 19 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15। तो माइनस 7 अपॉन 15 आ रहा है और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.467। तो ये निकल गया आपका बॉलेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, यहाँ पर कहता है कि लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर का मतलब Q1 आपको दिया हुआ है 7 के बराबर, अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 ये आपको दिया हुआ है 15। बोलेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस आपको दिया हुआ है यानी SKB हमें दिया हुआ है 0.25। आपको मीडियन फाइंड करना है, मीडियन का मतलब आपको Q2 फाइंड करना है। जो मीडियन होता है वही जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है Q2 उसी को मीडियन भी आप बोल सकते हो। तो जो फार्मूला अभी हमने लिखा वही फार्मूला है, बोलेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल्स टू Q3 प्लस में Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो 15 माइनस 7 करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 जा आता है 200, तो 2 के पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाएंगी, 15 प्लस 7 22 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2। इस 2Q2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो 2Q2 आ गया आपके पास 20 के बराबर और Q2 की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में उसे फार्मूले आपको याद होने चाहिए और वैल्यूज़ अगर दे रखी हैं तो बड़े आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पर कहता है कि इन्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल, बेस्ड ऑन क्वार्टाइल मतलब SKB, ठीक है, बोलेस कोफिशियंट्स, वो आपको ये दे रखा है 0.25। इफ द सम ऑफ द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल Q3 और लोअर क्वार्टाइल Q1, इसका सम दिया हुआ है 80 के बराबर एंड द मीडियन, मीडियन मतलब Q2 हो गया, ये दिया हुआ है 35। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल, इन दोनों का सम आपको जो 80 दिया हुआ है तो इन दोनों की आपको अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास था SKB का, इसके अकॉर्डिंग ऊपर Q3 प्लस Q1 होता है और नीचे Q3 माइनस Q1 होता है। तो इसकी वैल्यू तो दे रखी है 0.25, दोनों का सम आपको दिया हुआ है 80 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 35 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो ये Q3 माइनस Q1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, 0.25 को इधर ले आओ, 80 माइनस 70 ये आ गया 10 और नीचे आ जाएगा 0.25। इसका डेसिमल आप हटाओगे, ऊपर 100 आ गया, 25 फोर जा 100, इसकी वैल्यू आ गई 40। तो Q3 माइनस Q1 40 के बराबर आ गया और Q3 प्लस Q1 80 के बराबर था। तो इन दोनों में आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो और दोनों की वैल्यू आपकी निकल जाएंगी, Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू 80 है और Q3 माइनस Q1 40 है, साइन कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ Q3 इक्वल्स टू 120, तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी 60 और 60 का यहाँ पुट करोगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 20। तो लोअर क्वार्टाइल 20 है और अपर क्वार्टाइल 60 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा, क्वार्टाइल्स आपको निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ तक तो हमें दे रखे थे, तो जब ये निकालने वाला काम आता है तब थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बोलेस कोफिशियंट यानी आपको Q1 Q2 Q3 तीनों की ज़रूरत पड़ेगी और तीनों आपको यहाँ से निकालने होंगे। अब ये डाटा जो दे रखा है डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है, तो डिस्क्रीट डाटा में जब आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास जो XI है, XI आपके पास ये दे रखी है, FI हमारे पास ये है, सबसे पहला काम है आप CF निकाल लो। तो CF निकालेंगे तो पहली CF आपके 4 बनेगी, तो 4 प्लस 6
10 आ गया, 10 प्लस 8 18, प्लस में 9 27, प्लस में 7 34, 34 प्लस में 8 42 और प्लस में 6 48। तो ये लास्ट वाली जो टर्म आ रही है आपके पास 48, यही इसका टोटल होना चाहिए। तो टोटल भी आप चेक करके देखोगे 48 आ रहा होगा। अब जब हम Q1 निकालेंगे तो Q1 निकालने के लिए जो n होगा हमारे पास, ये n होता है n48, तो n40 आ रहा है। इसका मतलब n48 का मतलब ये आ रहा है इवन। तो जब इवन नंबर में होता है तो जैसे हम मीडियन में करते थे तो वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो हम जब Q1 निकालेंगे तो Q1 क्या बनेगा, n/4, n/2 की जगह यहाँ पर n/4 होगा, n/4th टर्म प्लस n/4 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाय 2। इस नंबर पर जो भी टर्म आएगी उसका हम एवरेज निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर n की जगह हमने रखा अगर 48, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12th टर्म आएगी, फिर यहाँ पर 13th टर्म आएगी और इन दोनों को ऐड करके 2 से कर देंगे डिवाइड। अब 12th नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है उसके लिए आप देखेंगे CF में। CF में 12 कहीं नहीं है, तो 12 नहीं है तो उससे अगली वाली जो टर्म आएगी वो देखो 18 है, उससे अगली टर्म 18 के सामने जो XI है ये हमारी टर्म बनेगी। और जो 13 है, 13 भी वहाँ पर नहीं है तो 13 के लिए भी आपको इसी को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपकी पास वैल्यू यही बनेगी, यानी 20 प्लस 20 और Q1 की वैल्यू भी आ जाएगी 20। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप निकालो Q2, तो Q2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर n/4 की जगह 2n/4 करेंगे। 2n/4 का मतलब n/2 ही होता है, जैसे मीडियन हम निकालते थे। तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ n/2 करोगे, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 24th टर्म आएगी और यहाँ पर 25th टर्म आएगी। अब देखो 24 यहाँ पर नहीं है, 25 भी नहीं है, तो उन दोनों के लिए आपको 27 लेना है और इसके सामने वैल्यू है 22। तो यहाँ रखेंगे 22 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 22। तो Q2 की वैल्यू आ गई 22। अब Q3 की निकालो। Q3 में क्या करेंगे, यहाँ पर n/4 था, यहाँ 2n/4 हुआ, यहाँ पर आएगा 3n/4। अब 3n/4 का मतलब हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर अगर हम रखेंगे 3n/4, फिर यहाँ पर भी 3n/4 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो n/4 करने पर 12 आया, तो 3n/4 करने पर 36 आएगा। तो यहाँ पर 36th टर्म आएगी और इधर 37th टर्म आएगी। अब 36 या 37 भी यहाँ पर नहीं है तो उससे अगली टर्म आपके पास बनती है 42। इसके सामने XI है 27, तो यहाँ पर आप लेंगे 27 प्लस 27 बाय 2, यानी ये आ गया 27। तो आपके पास Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया। अब आपको निकालना है SKB। तो उसके बाद जो फार्मूला था हमारे पास, जो हम ही पीछे क्वेश्चन में यूज़ करते आ रहे हैं, Q3 प्लस में Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो 27 और 20 हो जाएगा 47 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से आप माइनस करोगे आ जाएगा 3/7। अब 3 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो आंसर आएगा 0.429। तो ये बनेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 में बॉलेस कोफिशियंट कैसे निकालना है। अब अगर डाटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब अगर डाटा आपको डिस्क्रीट ना देके इसने दे दिया ग्रुप्ड, तो उसमें आपको Q1 Q2 Q3 कैसे निकालना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपको दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स का, सबसे पहला काम होगा कि आप निकाल लो यहाँ पर CF। तो CF अगर आप यहाँ निकालोगे तो पहली CF आएगी आपकी 4, 4 प्लस में 8 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 6 27 और ये आ गया 30, इधर भी आ गया आपके पास 30। ठीक है, टोटल। अब यहाँ पर जब आप Q1 निकालेंगे तो Q1 का फार्मूला यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले तो उसके लिए आपको n/4 निकालना पड़ेगा। n/4 कितना बनेगा, यहाँ से n/4 बनेगा आपके पास 30/4, तो 4 7 जै 28, 4 5 जै 20, 7.5। तो अब ये 7.5 आपको देखना है CF में कि कौन से क्लास इंटरवल को ये बिलोंग करेगा। तो 7.5 यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब उससे अगली CF आएगी 12,
तो ये कौन से इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, विच लाइज इन 12 के सामने जो क्लास इंटरवल है 8000 टू 9000। तो ये आपकी यहाँ पर क्वार्टाइल क्लास बनेगी, जैसे मीडियन क्लास हम निकालते थे। अब फार्मूला क्या बनेगा Q1 का, L प्लस में N बाय 4 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में H। वही मीडियन वाला फार्मूला है, बस वहाँ N बाय 2 होता था, यहाँ पर N बाय 4 हो जाएगा। L की जगह लोअर लिमिट आ जाएगी आपके पास 8000, N बाय 4 हमने निकाला ये 7.5, सी एफ आपको ये वाली नहीं लेनी, इससे पिछले वाली लेनी है माइनस 4, और F आपको इसी की लेनी है 8, और H का मतलब हो गया यहाँ पर 1000, जो इन दोनों के बीच का गैप है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा, तो ये बनेगा आपके पास 8000, 7.5 माइनस 4 करेंगे 3.5, 3.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3500 अपॉन में 8, और इसको हमने सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आएगा 11437.5, यानी 8437.5 ये वैल्यू आ गई आपके पास Q1 की। अब ऐसे Q2 आपको निकालना है, तो Q2 के लिए आप यहाँ पर n बाय 4 की जगह टू एन बाय फोर करोगे, 2n/4 का मतलब n बाय 2 ही हो गया, ठीक है। तो n बाय 2 को आप देखोगे वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये हो गया 30/2 यानी 15, तो 15 से अगली CF में आपके पास आएगा 21, ये लाई कर रहा है इस इंटरवल में, तो इसके हिसाब से अब चलेगा। तो अब इसके हिसाब से अगर हम Q2 लेंगे, तो L की जगह आएगा आपके पास 9000, ठीक है। फार्मूले में यहाँ पर N बाय 4 की जगह N बाय 2 आ जाएगा, बस इतना फ़र्क रहेगा। तो N बाय 2 कितना है हमारे पास 15, माइनस CF आपको ये वाली ना लेके इससे पिछले वाली लेनी है, F आपको इसी की लेनी है, और गैप इसका भी 1000 ही है। तो 15 माइनस 12 3, तो 3 से इसको काटोगे नीचे आ जाएगा आपके पास 1000 अपॉन में 3, 3 3 जै 9 तो ये बन जाएगा आपके पास 9333.33। ये तो बन गया आपके पास Q2। अब ऐसे बनाओ आप Q3। Q3 के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए 3n/4। अब 3n/4 जो n/4 निकला है उसी का 3 टाइम्स कर दो सीधा उठा के, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 5 जै 15, 3 7 जै 21 प्लस 1 22.5। अब 22.5 यहाँ पर नहीं है, तो उससे अगली आपके पास CF 27 है, तो इसके सामने क्लास इंटरवल ये बनेगा 10000। तो L की वैल्यू 10000 होगी, प्लस में अब यहाँ 3n/4 आ जाएगा, 3n/4 की वैल्यू 22.5, CF इससे पहले वाली लेंगे 21, और F हम इसी के लेंगे, इसकी F है 6 इंटू में 1000, तो ये बन गया 10000 प्लस में 22.5 में से 21 माइनस करोगे 1.5 आएगा, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आ गया, और 1500 को हमने 6 से कर लिया डिवाइड, तो हमारे पास बना 250, और ये आ गया आपके पास 10250। तो अब Q1 भी आ गया आपके पास, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया। बोलेस कोफिशेंट निकालना है, तो पीछे हमने फार्मूला यूज़ किया था, वही फार्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके हिसाब से Q3 10250 प्लस में Q1 8437.5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 9333.33 डिवाइडेड बाय 10250 माइनस 8437.5, ठीक है। इसको पूरे को आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.011। ये पूरा मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, ऊपर इन दोनों को प्लस करके इनको माइनस करना है, फिर नीचे माइनस करके डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में कहता है कि जो फर्स्ट थ्री सेंट्रल मोमेंट है वो आपको दे रखे हैं, म्यू वन दे रखा है, म्यू टू दे रखा है, म्यू थ्री दे रखा है। आपको मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा वन और गामा वन निकालना है। तो बीटा वन की जो वैल्यू है
या बीटा वन का जो फार्मूला होता है ये होता है म्यू क्यूब का स्क्वायर, म्यू थ्री का स्क्वायर और म्यू टू का क्यूब। म्यू थ्री का मतलब थर्ड सेंट्रल मोमेंट, थर्ड सेंट्रल मोमेंट है हमारे पास 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर किया। और म्यू टू का मतलब है सेकंड सेंट्रल मोमेंट यानी 3 का स्क्वायर, तो 0.64/9। अब 0.64 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है आपका 0.071। और जब हम गामा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो गामा 1 होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1। अब यहाँ पर साइन आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है ये डिसाइड करता है म्यू थ्री। अब म्यू थ्री यहाँ पर पॉजिटिव है बिकॉज म्यू थ्री इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसलिए गामा 1 की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे यानी स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1 लेंगे। और बीटा 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 0.071, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ये स्क्वायर रूट बनता है 0.267। ठीक है, स्क्वायर रूट सबको आई थिंक निकालने आते होंगे, अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालने आते तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा कि कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट आर दिस एंड दिस। सेकेंड आपको दे रखा है, थर्ड दे रखा है मतलब म्यू टू दे रखा है 10 और म्यू थ्री दे रखा है -9। इन अनदर डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट आर 18 एंड -12। एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी आपको दे रखा है म्यू टू 18 और म्यू थ्री -12। दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपसे पूछ रहा है कि विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर टू द लेफ्ट, कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो लेफ्ट में ज़्यादा है, नेगेटिवली स्क्यूड ज़्यादा है। तो उसके लिए दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्क्यूनेस है वो निकालने के लिए आप बीटा 1 निकाल लो। तो बीटा 1 का फार्मूला जैसे हमने अभी देखा भाई म्यू 3 का स्क्वायर होता है, तो -9 का स्क्वायर और म्यू 2 का क्यूब होता है यानी 10 का क्यूब, तो ये आ गया 81/1000 यानी 0.081। ये तो वैल्यू आ गई आपके पास बीटा 1 की। अब यहाँ से भी अगर हम बीटा 1 की वैल्यू निकालें, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो यहाँ पर आपके पास है -12 का क्यूब और 18 का स्क्वायर, तो -12 का क्यूब होता है 1728 और नेगेटिव आएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, उनकी कटापिटी करोगे और ये करने के बाद हमारे पास आ रहा है 0.025। अब इनमें से जो वैल्यू आपके पास है वो ये वैल्यू आ रही है 0.081। ठीक है, 0.08 है, यहाँ पर 0.02 है, यानी ये वाली जो स्क्यूनेस है ये ज़्यादा है, ये स्क्यूनेस ज़्यादा है, इसका मतलब जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर टू द लेफ्ट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18th क्वेश्चन के अंदर कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज 5 एंड मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गामा 1 इक्वल्स टू -0.5, फाइंड द थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो थर्ड सेंट्रल मोमेंट है वो आपको निकालना है। अब यहाँ पर इसने कहा कि जो वेरियंस है वो आपको दे रखा है 5, और जो वेरियंस होता है उस वेरियंस को हम म्यू 2 भी बोलते हैं, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट भी बोलते हैं, तो जो म्यू टू है उसकी वैल्यू तो हमें मिल गई 5। हमें थर्ड सेंट्रल मोमेंट निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो गामा 1 है, गामा 1 की वैल्यू है -0.5, तो यहाँ पर जो गामा 1 का फार्मूला है वो आप पुट कर दो। अब गामा 1 हमारे पास क्या होता है, गामा 1 होता है स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1। ठीक है, गामा 1 की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पर बीटा 1 की वैल्यू पुट करते हैं, बीटा 1 होता है हमारे पास म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन में म्यू 2 का क्यूब। अब इस स्क्वायर से ये रूट तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा म्यू 3 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 2 का क्यूब। अब म्यू 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये है -0.5 और म्यू 3 आपको दे रखा है यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब आ जाएगा 125। इसको आप इधर लेकर आओ तो म्यू 3 की वैल्यू क्या बनी, -0.5 इंटू में 125। अब जो 125 है इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 11.18
और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ रही है हमारी -5.59। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में आपको कंप्यूट द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा वन। अब यहाँ पर आपको ये बीटा वन निकालना है। बीटा वन निकालने के लिए डाटा भी आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो भाई इसमें आपको कई सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर म्यू टू और म्यू थ्री इन दोनों की वैल्यू चाहिए। अब म्यू टू होता है एक्स माइनस मीन का स्क्वायर और म्यू थ्री होता है एक्स आई माइनस मीन का क्यूब। अब यहाँ पर एफ आई भी दे रखी है तो एफ आई से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहला काम तो है मीन निकालना, तो पहले तो हम निकालते हैं मीन। उसके लिए एक्स आई बनाते हैं। एक्स आई बनेगी 0-10 के बीच में 5, फिर 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। फिर निकालो आप एफ आई एक्स आई। 6 5 30, 15 को 12 से करेंगे तो 180, 25 25 50 और 5 55। 24 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपके पास 840। इन दोनों को करेंगे आ जाएगा 720। यहाँ पर है ये 55, 60 और 66, 660। और उसके बाद लास्ट में आ रहा है हमारे पास 520। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, टोटल आएगा हमारे पास 3500। इसका टोटल आ रहा है हमारे पास कितना, 100। एफ आई का टोटल, इसका नहीं, एफ आई का टोटल 100। तो मीन बन गया हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यानी आ गया 35। अब आपको कॉलम चाहिए एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर चाहिए। एक्स आई माइनस मीन मत निकालो, सीधा स्क्वायर निकालो क्योंकि हमें स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है। हम कहीं कॉलम और हम क्यों बढ़ाएं, तो एक्स आई आपके पास ये है, इसमें से आपने इसको माइनस करा, ये आ जाएगा -30 और -30 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 900। अब उसके बाद 15 -35 करोगे तो आ जाएगा 20, 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। यहाँ से आएगा 10, 10 का आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 0 और फिर यहाँ पर ये ऐसे ही रिपीट हो जाएगा, ये आ गया। अब एक्स आई माइनस एक्स का क्यूब निकालोगे, इसमें क्या करना है आपको, एक्स आई माइनस एक्स करने पर जो वैल्यू आ रही है ऊपर की, जो ये वाली वैल्यू थी नेगेटिव आ रही थी, तो आपको नेगेटिव वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 5 -35, यानी -30 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो -30 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा -27। ये इसको -20 से करना है तो आ जाएगा 2 4 8। इसको -10 से करना है, इसको +10 से करना है और इसको 8000 और ये आ जाएगा 27000। अब उसके बाद हमारे पास ये दो कॉलम बन गए। अब इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा हमें एफ आई से, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर और इसमें आएगा एफ आई एक्स आई माइनस मीन का क्यूब। तो एक्स आई आपके पास है, ये एफ आई है हमारी। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54 और लगे हाथ इससे भी कर लो, 6 7 42, 6 12 प्लस में 4 16, ये आएगा लेकिन माइनस में। अब ऐसे यहाँ पर 12 है, 12 को एक बार इससे करो एक बार इससे करो, 12 4 48, 12 8 96, फिर 22 है, 22 से 100 को करेंगे, 2200 इधर से आ जाएगा 22000। उसके बाद तो यहाँ दोनों में 0 है तो 0 ही आएगा, फिर यहाँ 16 है, 16 को 100 से करेंगे 1600, 16000, 12 को इससे करेंगे 12 4 48, 12 8 96, फिर आया यहाँ पर 8 8 9 72 और 8 7 56, 8 2 16 प्लस में 5 21, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन इसमें सारा कैलकुलेशन का ही खेल है, वो अगर गड़बड़ होगी तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो सारा कुछ ठीक है, अब इनका टोटल कर दें। जो टोटल आ रहा है आपके पास, इसका टोटल तो आ रहा है 48000 और जो सेकंड वाली टर्म है उसका टोटल आ रहा है आपके पास 26000।
और हमें टोटल और तो किसी का अब चाहिए नहीं। अब सबसे पहले आप निकालो म्यू टू, तो म्यू टू का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो आपके पास जो ये वाली वैल्यू आ रही है 26,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 260। और ऐसे ही आपके पास जब म्यू थ्री निकालोगे आप, तो म्यू थ्री में फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन का क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये आ रहा है हमारे पास 4800, इसको 100 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 480। तो आपके पास म्यू टू भी आ गया, म्यू थ्री भी आ गया। अब आपको बीटा वन निकालना है, तो म्यू टू का क्यूब होता है यानी 260 का क्यूब, 260 का क्यूब और म्यू थ्री का स्क्वायर। तो म्यू थ्री का उल्टा कर दिया हमने, ऊपर आएगा म्यू थ्री, ऊपर म्यू थ्री का स्क्वायर आएगा यानी 480 × 480 और नीचे हमारे के पास म्यू टू का क्यूब। अब इनमें से जितना आप काट पीट सकते हो उतना काट के पहले छोटा करना, छोटा करने के बाद फिर इसको डिवाइड करना, तो 0.013 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स है वो दे रखे हैं, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर सब दे रखे हैं। एग्जामिन द स्क्यूनेस एंड कर्टसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको स्क्यूनेस निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा बीटा वन। तो बीटा वन की वैल्यू वही म्यू थ्री का स्क्वायर और म्यू टू का क्यूब। तो म्यू थ्री आपके पास है 19, तो 19 का स्क्वायर और म्यू टू है 6 का कर देंगे क्यूब। इसको सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू आ रही है 1.67, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। उसके बाद आप निकालते हैं वैल्यू कर्टोसिस के लिए, कर्टोसिस के लिए वैल्यू हम निकाले हैं बीटा टू की। तो बीटा टू की वैल्यू बनती है, फार्मूला होता है म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर। अब म्यू फोर की वैल्यू आपको दे रखी है 42 और म्यू टू हमारे पास 6 7 = 42। अब ये वैल्यू आ रही है आपके पास 1.167। अब ये वाली जो वैल्यू है ये लेस देन 3 आ रही है, ठीक है, क्योंकि जब कर्टसिस में आप देखते हैं कि पीकेडनेस देखते हैं तो वैल्यू 3 के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 आ रही है तो उसके लिए जो कर्व होता है हमारे पास वो मेसोकर्टिक होता है, अगर उससे ज़्यादा आती है तो लेप्टोकर्टिक होता है और कम आती है तो प्लेटिकर्टिक होता है, तो ये बनेगा हमारा प्लेटिकर्टिक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है फॉर ए मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.4। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 0.4, मतलब वेरिएंस दे दिया 0.16, मतलब म्यू टू दे दिया आपको 0.16, क्योंकि वेरिएंस ही म्यू टू होता है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। अब यहाँ पर जो मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, तो मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो बीटा टू है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, बिकॉज मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब बीटा टू का फार्मूला लगाओ, म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अब म्यू फोर की वैल्यू निकालनी है और ये हमारे पास आ गया 0.16 का स्क्वायर, तो म्यू फोर की वैल्यू आ जाएगी 3 × 0.0256। तो आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 3 6 = 18, 3 5 = 15 प्लस 16 0.0768। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में कहता है बीटा 2 आपको दिया हुआ है, लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा 2 की वैल्यू दे रखी है, म्यू 4 की वैल्यू दे रखी है,
कैलकुलेट द वेरियंस, वेरियंस मतलब आपको म्यू टू निकालना है, तो ये आपको यही सेम फार्मूला लगाना है, बीटा टू की वैल्यू है, म्यू फोर की वैल्यू है, पुट करना वैल्यू, आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहता है फॉर ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 7, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, बीटा 1 इज 1.5, बीटा 2 इज 3.4, फाइंड द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट। आपको चारों सेंट्रल मोमेंट निकालने हैं, तो चारों सेंट्रल मोमेंट निकालने के लिए आपको पता है कि जो म्यू वन है वो तो जीरो होता है, उसको तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। म्यू टू ये वेरिएंस होता है, अब वेरिएंस आपको नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया हुआ है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 3, 3 का स्क्वायर कर दोगे आ गया 9, तो म्यू टू की वैल्यू 9 आ गई। अब बीटा वन आपको दे रखा है 1.5, तो बीटा वन का जो फार्मूला है उसमें म्यू थ्री का स्क्वायर आता है और म्यू टू का क्यूब आता है। बीटा वन की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, म्यू थ्री हमें निकालना है अभी, और म्यू टू हमारे पास आ चुका है 9 इसका क्यूब, इसको आप इधर ले जाओ, तो म्यू थ्री का जो स्क्वायर है ये बन गया हमारे पास 1.5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1093.5, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33.07, तो ये बन गया हमारे पास म्यू थ्री। अब बीटा टू दे रखा है हमें 3.4, तो बीटा टू का फार्मूला यूज़ कर लो, ये होता है म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3.4, म्यू फोर हमें फाइंड करना है और म्यू टू कितना था हमारा 9, तो 9 का स्क्वायर 81 आ गया, तो ये आ जाएगा 3.4 इंटू में 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 275.4। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कैलकुलेट द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये चारों आपको सेंट्रल मोमेंट निकाल रहे हैं। अब चारों सेंट्रल मोमेंट निकालने में म्यू वन की वैल्यू की तो जरूरत है नहीं, म्यू वन तो जीरो के बराबर ही आता है, तो उसको तो निकालने की जरूरत है नहीं। म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर ये निकालेंगे, आल्सो कैलकुलेट बीटा वन और बीटा टू, फिर उनकी हेल्प से हम बीटा वन बीटा टू निकालेंगे और स्क्यूनेस और कर्टेसिस के बारे में कमेंट करेंगे कि वो क्या है, ठीक है, वहाँ पर नेचर जो है किस तरीके का है। तो म्यू वन की वैल्यू हम नहीं निकाल रहे, हम सीधा निकाल रहे हैं म्यू टू की वैल्यू, ठीक है, म्यू वन की वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये तो आएगी जीरो। अब म्यू टू की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिएगा पहले मीन, तो उसके लिए एफ आई एक्स आई करो, 4 2 8, 6 5 30, 10 8 80, 12 7 84, 16 3 48, इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 250, इसका टोटल आ रहा है 25, तो जो मीन है हमारे पास आ जाएगा 250 अपॉन में 25 यानी 10। अब मीन की हेल्प से आप यहाँ पर निकालेंगे पहले एक्स आई माइनस मीन। अब एक्स आई माइनस मीन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें स्क्वायर की ज़रूरत है, स्क्वायर की ज़रूरत है, क्यूब की ज़रूरत है और पावर 4 की ज़रूरत है म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर निकालने के लिए। तो एक्स आई हमारे पास ये है, 4 में से हमने 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -6, और इसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है तो सीधा 36 लिख देते हैं, 6 - 10 -4 आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 16, यहाँ पर 0, यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 16 - 10 आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ गया 36। जब आप लेकिन क्यूब करोगे तो क्यूब करने के लिए आपको एक्स आई माइनस मीन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स आई माइनस मीन कितना आया था, 4 - 10 करेंगे तो -6 आया, तो -6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी -216 आ जाएगा, और 6 - 10 करेंगे तो -4 आया था, -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 0 ही आएगा, यहाँ पर आएगा 12 - 10 2 4 8, और 16 - 10 36, 6 आएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 216। बस ये साइन का ध्यान रखना, साइन गड़बड़ ना हो। अब जब आप इसमें पावर 4 निकालोगे तो सीधा इसका स्क्वायर कर देना है, उसके लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं, और अगर इसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो एक कॉलम और बना लेना एक्स आई माइनस मीन का, फिर इसमें कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 36 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1296, और उसके बाद 16 का स्क्वायर आएगा 256,
जीरो, फोर का 16, 36 का तो 1296। अभी जो तीनों कॉलम आए, इन तीनों कॉलम को आपको एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का क्यूब, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन की पावर 3। तो पहले एफ आई आपके पास 2, तीनों को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी। 2 से हमने 36 को किया तो 72 आ गया, 2 से इसको करेंगे तो माइनस 432 आ जाएगा, और 2 से हम इसको करेंगे तो 26 जा 12, 29 जा 18 प्लस 1 19, 22 जा 4 प्लस 1 5, 21 जा 2। अब उसके बाद अगली एफ आई हमारी 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, 5 से इसको करेंगे 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 2 32 आ गया माइनस में, 5 से इसको करते हैं 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 प्लस में 3 28, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। उसके बाद तो 0 0 है तो 0 ही आना है, फिर इसके बाद है 7 एक्स आई है एफ आई, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले इसको, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 16 7 जा 112, लास्ट में 3 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108, 36 जा 18, 31 जा 3 प्लस 14, 32 जा 6, 3 से इसको करेंगे 36 जा 18, 39 जा 27 और 128, 32 जा 6 और 28 और 31 जा 3। तो ये आपके पास डाटा आ चुका है, चेक कर लेते हैं एक बार, 72 80 0 28 108 माइनस 432 माइनस 320 0 56 648 2592 1280 0112 3888। ठीक है, तो लास्ट वाला उसका टोटल आ रहा है 7872 और क्यूब वाले का टोटल आ रहा है माइनस 48, इसका आ रहा है 288। अब यहाँ से आप म्यू टू की वैल्यू निकालो, तो म्यू टू के लिए जो एक्स आई वाला स्क्वायर वाला था इसका टोटल आएगा 288 डिवाइडेड बाय एफ आई का टोटल 25। अब 25 से डिवाइड करने के बजाय इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 8 जा 32, 32 और 3 35, 4 2 जा 8 और 3 11, डेसिमल लगा दो दो प्लेस के बाद तो ये आ जाएगा 11.52। फिर म्यू 3 निकालो, म्यू 3 में आ जाएगा माइनस 48 अपॉन में 25, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करो तो ये आ जाएगा माइनस 1.92। फिर निकालो आप म्यू 4, तो म्यू 4 के लिए आ जाएगा 7872 डिवाइडेड बाय 25, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये बनेगा आपके पास 0.314.88। तो ये तो चारों सेंट्रल मोमेंट आपके निकल गए। अब चाहिए था हमें इसमें बीटा 1 और गामा 1, तो बीटा 1 की जो वैल्यू थी, जो बीटा 1 का फार्मूला था म्यू 2 का क्यूब, म्यू 2 का क्यूब है या स्क्वायर है, यहाँ पर बार बार गड़बड़ हो जाती है, दोनों एक जैसे हैं, म्यू 3 का स्क्वायर है और नीचे म्यू 2 का क्यूब है, फार्मूले ढंग से याद कर लेना, म्यू 3 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा म्यू 2 का क्यूब। तो म्यू 3 आपके पास आया था माइनस 1.92, इसका स्क्वायर करना है, और म्यू 2 का क्यूब, म्यू 2 मतलब 11.52, इसका करना है आपको क्यूब। तो ये सारी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस 0.00 और 0.0024, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है। उसके बाद आप निकालेंगे बीटा 1 की वैल्यू तो निकल गई, अब स्क्यूनेस चेक करने के लिए गामा 1 की वैल्यू निकालो। अब क्योंकि इसमें जो म्यू 3 है वो नेगेटिव है तो जो गामा 1 होगा वो भी नेगेटिव आएगा। अब इसकी वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 0.0024। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू निकालो या मत निकालो, ये तो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आने का मतलब है ये लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 का मतलब ये नेगेटिवली स्क्यूड हो गया, क्योंकि वैल्यू उसने पूछी थी बीटा 1 की वो हमने निकाल दी। स्क्यूनेस निकालने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि इसका स्क्वायर रूट आप निकालो। उसके बाद हम निकालते हैं फिर बीटा 2, बीटा 2 का फार्मूला था म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर, तो म्यू 4 की वैल्यू है 314.88 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर यानी 11.52 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आ रही है 2.37। तो ये वैल्यू 3 से कम आ रही है, इसलिए ये प्लेटी कर्टिक है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी वो फिनिश होती है, और बस जो भी इसमें प्रैक्टिस आप करोगे, फार्मूलाज अच्छी तरह करो और कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो, क्योंकि सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। बाकी और इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट वाली बात तो है नहीं कि जो समझ में ना आए। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो नंबर भी इसमें अच्छे आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।